अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से बड़ा मोड़ आने वाला है। अब लड़ाई झगड़े की कहानी को पीछे छोड़कर मेकर्स ने मसालेदार ट्विस्ट डालने का फैसला कर लिया है। अनुपमा सीरियल में सिर्फ अनु और अनुज ही नहीं बल्कि काव्या वनराज और तोशु किंजल का रिश्ता भी टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। सीरियल के पिछले एपिसोड में पाखी अधिक ने अपने रिश्तों के बीच की कड़वाहट को खत्म करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वहीं बरखा अंकुश काव्या वनराज और तोशु किंजल के बीच मन मुटाव बढ़ते हुए देखा गया है। अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में नए साल की शुरुआत के साथ हर कोई अपनी अपनी तरफ से बदलने की कोशिश करता दिखाई देगा, लेकिन काव्या को ये समझ आ जाता है कि उसने वनराज के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लिया है। काव्या के दिमाग में ये बैठ जाता है कि वनराज का पूरा ध्यान केवल उसके परिवार पर है और वो चाहे कुछ भी कर ले उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती है। काव्या इसके बाद अपने पहले पति अनिरुद्ध को फोन करती है, साथ ही दिल्ली की नौकरी एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा माना जा रहा है कि वनराज से नाता रिश्ता तोड़कर काव्या अपने पहले पति अनिरुद्ध के पास लौट जाएगी। अनुपमा और अनुज छोटी अनु को लेकर नहीं बल्कि किसी तीसरे के कारण अलग होते दिखाई देने वाले हैं। अनुपमा अपने पति की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करती है। वो घर को फूलों से सजाती है और जैसे ही अनुज घर लौटता है तब उसे बड़ा धक्का लगता है क्योंकि अनुज घर पर किसी क्लाइंट को साथ लेकर आता है। अब अनुज का ये क्लाइंट क्या मसाला लेकर आने वाला है ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।